मोबाइल में लाइट जलाने के लिए आपका बैटरी कनेक्टर से धन सप्लाई अंदर 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 आपकी बूस्ट कॉइल में आती है। बूस्ट कॉइल में आने के लिए आप देख रहे हैं कि बैटरी की धन की ट्रेक, आपकी बैटरी धन की ट्रेक देखो बूस्ट कॉइल से मिल रही है, बूस्ट कॉइल की इधर भी मिल रही है, डायोड पे भी मिल रहा है और उसके बाद ट्रांजिस्टर पर भी मिल रहा है, ट्रांजिस्टर पे भी मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि देख रहे हैं। अब इसको रिपेयर करने के लिए इसमें जो ये गोल्डन टिप्स आपकी दिखाई दे रही है, ये ट्रेक पिन नंबर 10 पर जाती है और ये ट्रेक पिन नंबर 11 पर जाती है। हमारी 11 की ट्रेक ब्रेक होने के कारण ये जम्पर हम यहाँ से उठाए हैं और ये यहाँ लगा दिए हैं, फिर भी हमारी लाइट नहीं जल रही है। 11 लाइट संबंधित पिन होती है। जब इस लाइट डिस्प्ले को हमें चेक करना होता है तो पिन 10 और 11 पर मल्टीमीटर से छूने पर हल्की डिस्प्ले जल जाए तो हमारी डिस्प्ले ठीक समझे। डिस्प्ले चेक कर लिए 11 की टेक ठीक है, इस प्रकार इसको सप्लाई देने पर हमारा डिस्प्ले जल जा रहा है, डिस्प्ले हमारा सही है। देख लीजिए आप, डिस्प्ले हमारा सही है, डिस्प्ले एकदम सही है। अब इसको हम बनाने चल रहे हैं मात्र 2 मिनट में। आप देखिए ध्यान से, इसका ये बूस्ट कॉइल ट्रांजिस्टर डायोड में से आपका कोई ख़राब है। बिना ट्रांजिस्टर डायोड के हम लाइट जलाने की विधि आप लोग को बताने चल रहे हैं। इस प्रकार इस ट्रांजिस्टर को हम निकाल लेते हैं, ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। इस ट्रांजिस्टर को निकालने के लिए इसे असेंबली के ऊपर प्रयोग किया जाता है, लेकिन बताते ये है कि हम आयरन से इसका निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर निकल गया है, ट्रांजिस्टर निकल गया, ये डायोड भी निकाल रहे हैं, ये डायोड भी निकल गया। देखिए इसके बाल को हम बढ़िया से साफ कर दे रहे हैं। इस प्रकार ये प्रिंट हमारी ट्रांजिस्टर की, ये तीनों प्रिंट है, ये डायोड की प्रिंट है। अब इसको हम जलाना बता रहे हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब इस जम्पर को उठा करके सीधे आपको यहाँ कर देना है, सीधे यू एम आई थी जो आ रहा है यहाँ कर देना है और डिस्प्ले की पिन 10-11 को स्टार्ट कर देना है। ये आप देखते रहिए, डिस्प्ले की 9 और 10 को स्टार्ट करने के लिए आपको डिस्प्ले की पिन नंबर 9 आपकी जो है ग्राउंड है, ये जुड़ गया, ब्लिट इसको हम काट दें, यहाँ प्लेट से काट देते हैं। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण काम ये करना है आपको कि ये कीपैड एलईडी आपको निकालनी होगी, क्योंकि ये कीपैड अब लाइट नहीं जलेगी। बिना ट्रांजिस्टर डायोड की लाइट नहीं जलती है, क्योंकि केवल डिस्प्ले लाइट इस समय प्राप्त होगी आपको। अब देखिए हमारा फॉल्ट मॉडिफाई हो गया है, इसको हम 11 जोड़ दिए हैं और डिस्प्ले की पिन नंबर 10 और 11 को आपस में स्टार्ट कर दिए हैं। अब सेट ऑन करने जा रहे हैं, लाइट जल गई आपकी, देखिए लाइट जल गई। अभी लाइट बंद भी होना चाहिए तब फॉल्ट को सही माना जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये लाइट जल गई है, अब ये लाइट बंद भी होनी चाहिए। तो लाइट बंद हो गई, फिर कोई की दबा दे रहे हैं, फिर लाइट जल गई, इसका मतलब फंक्शन में है सेट।